हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे हैदराबाद रेस की 29 अक्टूबर की रेस है 2024 पहली रेस एक बज के बीस मिनट पर है और आखिरी रेस चार बज के पचास मिनट पर है आज धनतेरस का त्यौहार है यार धनतेरस दिवाली मेरे ख्याल से एक की भी है और इकतीस की भी कह रहे हैं जो भी है त्यौहार का फेस्टिव सीज़न हम मतलब शुरुआत हो चुकी है अपने परिवार के साथ अपने दोस्तों के साथ में इंजॉय करें और मर्यादाओं के साथ है ना कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो कि आपके घर वाले परेशान हों आपकी वजह से किसी भी चीज़ों में चाहे वो रेस को लेके हो या चाहे आप कहीं बाहर जाएं या रेस के लिए तो थोड़ा सा सेफ़ रहें दिवाली त्यौहार बहुत ज़रूरी होते हैं चीज़ों में आपके मन के लिए आपके विश्वास के लिए सारी चीज़ों मिले तो त्यौहार को आराम से इन्जॉय करें आराम आराम से चलें अभी हर चीज़ में किसी भी चीज़ में चलना जरूरी नहीं है पैरों से चलने को कहते हैं मतलब लाइफ को भी आराम से लेके चले इस टाइम पे और पहली रेस चौदह सौ मीटर क्लास टू की है और एक चीज़ और एड ऑन कर देता हूँ यार सक्सेस या सफल होने के लिए दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें ये मैं अपनाता हूँ और आप लोग भी अपना सकते हैं अगर आपको पसंद आए पहला कभी भी किसी कहते हैं ना कि किसी का दिल या बद नहीं लेनी चाहिए पहली बात तो ये और दूसरा अपना फोकस होकर काम करते रहें जरूर कभी ना कभी सफलता जरूर मिलेगी यार ठीक है बाकी भाग्य भी है लेकिन कर्म सब कर्म प्रधान है कहते हैं तो ये चीज़ें यार आप भी अप्लाई करें खैर जिनको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है जिनको नहीं आई उन्होंने स्किप करी दी होगी उम्मीद करता हूँ और पहली रेस जैसा मैंने बताया चौदह सौ मीटर की है क्लास टू की घोड़े यहाँ पे दो तीन मुझे नज़र आ रहे हैं एक नंबर है मैब्रिक आगे मैं देख रहा हूँ कि सातवीं रेस में सूर्य नहडू बैठा हुआ है तो इस रेस में भी अगर कुलदीप सिंह के बल्ले सूरज बैठा होता तो थो थोड़ा सा चांसेस मुझे लग रहा है कि और ज़्यादा बन सकते थे और लकी जोन भी एक रन अगर मैं बात करता हूँ मेवरिक के साथ में ही नेक्स्ट से गुड सेकंड हुआ था सतसबार से दो घोड़े और इस रेस में मतलब दो तीन घोड़े और दिख रहे हैं जैसे चार नंबर है अद्भुत विवेक जी बैठा हुआ है फ्रंट रनर है तो माइनर प्लेसिंग या अपसेट प्लेस कह सकते हैं पाँच नंबर डी मिंचू सोसेबल एक्स घोड़े का नाम लास्ट टाइम इंक्वायरी ओपन हुई है अजय कुमार के नीचे पी अजीत कुमार बैठा दिया है और एन डबल पावर के साथ में फील्ड भी थोड़ी सी टाइट थी काफ़ी प्लेस भी लगी थी और छः नंबर है फ्लाइट टू द स्टार अफरोज़ ख़ान के नीचे बिल्कुल सरप्राइज़ ये आप देख सकते हैं और बाकी सात नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग इस घोड़े की मैं क्या बात करूँ यार शायद इमरान खान ने अब इतना ट्रेंड कर दिया वैसे भी फराज अरसद जी के पास था किसी टाइम पे बेंगलोर में बहुत सुपीरियर घोड़ा मैं कह सकता हूँ चौदह में हर बार ही बोला मैंने खैर पहला रन जब सूरज के नीचे आ, मतलब डी मिंचू के साथ ही गुड सेकंड हुआ था फिर साढ़े तीन लेंथों से जीता अक्षय कुमार बैठा दिया है और मैं रेस इन्हीं दोनों में लेके कर चलूँगा पहले तो उस पे सात नंबर रहेगा मेरा आर्म स्ट्रॉन्ग अक्षय कुमार आ, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा एक बार ही जीते और दूसरा घोड़ा डी मिचू इंक्वायरी ओपन हुई है जरूर हुई है बट क्लास टू में हुई है और यहाँ पे क्लास टू जरूर जा रहा है बट अगर आप देखेंगे आर्म स्ट्रॉन्ग को ऑलरेडी दो लेंथों से बीट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से सरप्राइज़ करने के लिए आर्म स्ट्रॉन्ग को बीट करने के लिए यही घोड़ा समझा रहा है मुझे उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों सेकेंड रेस में सोलह सौ मीटर की रेस है क्लास फोर की और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो सोलह सौ मीटर में अगर वैसे डिस्टेंस के हिसाब से बात करोगे तो लंडन बेल है जो एक मेरे हिसाब से परफेक्ट डिस्टेंस सोलह सौ सो। अट्ठारह सौ और लास्ट टाइम मैं पिक भी लेके चला था क्लास फाइव की रेस रेस्ती खैर और उम्मीद करते हैं एक और बेटर रन देखने को मिले कहीं गेट वेट में ना फंसे स्लो निकल जाता है घोड़ा ये होता है अक्सर बाकी दूसरा घोड़ा मैं पिक लेके कर चलूँगा दो नंबर स्टार ऑफ नाइट अक्षय कुमार सिक्वेरा जी का घोड़ा है आठवें से गुड सेकंड हुआ था घोड़ा यार वन एंड ओनली के साथ में फर्स्ट टाइम जा रहा है एक्सलेंट रोमांटिक स्टार पैटिगरी भी मतलब 16 तक जा सकती है 1600 मीटर और uh, उम्मीद करते हैं इन दोनों में रेस देखने को मिले थर्ड रेस 1100 मीटर क्लास थ्री की है वारविक है सेलिस्टा गर्ल है बाकी तीन नंबर विंड स्प्राइट है लास्ट टाइम अगर मैं बात करता हूँ स्टील से एलमुनियम हुए थे सूस प्राउड मैरी के साथ में गुड थर्ड हुआ था और इकरम से अफरोज़ खान जा रहा है छः नंबर का ड्रॉ है उम्मीद करते हैं कोई बेटर रन देखने को मिले और दूसरा घोड़ा इस रेस में पाँच नंबर गतिमैन मुकेश कुमार माइनक्राफ्ट के साथ में दोनों बारी फ्रंट भागा है एक बारी 1200 जीता है और उसके बाद 1100 में गुड सेकंड हुआ है कुछ इंसिडेंट हुआ था और दसवें से तीसरा लगा हुआ है तो घोड़ा आगे पीछे कहीं से भी आता है भैया अगर मतलब पीछे है पीछे से भी आ रहा है ग्यारह मीटर में फ्रंट जा रहा है तो जीत भी रहा है क्लोज़ फिनिश दे रहा है तो बिल्कुल यार इन दोनों में रेस देखने को मिले उम्मीद करते हैं चौथी रेस गेमिंग ट्रॉफी है चौदह सौ मीटर क्लास थ्री की ब्रोकलैंड ब्यूटी मेरे हिसाब से जीतना चाहिए यार अब अजय कुमार ढाई किलो का वेट का भी बेनिफिट है और घोड़े इस रेस में पिक एक नंबर ही रहेगा पहले तो मेरा ब्रुकलैंड ब्यूटी अजय कुमार और दूसरा पिक रहेगा मेरा पाँच नंबर किंग्स बेस्ट अक्षय कुमार ये घोड़ा भी अभी दो रन पहले ही एलमोनियम हुए हैं शूज़ स्टील से और ग्लोरियस पावर के साथ में और एसप्यज के साथ में गुड थर्ड हुआ है अभी तो उम्मीद करते हैं मतलब अक्षय कुमार के नीचे जीते फर्स्ट टाइम ही एक तरीके से अच्छा लास्ट टाइम भी अक्षय ही बैठा था और तीन नंबर हो रहा डिकॉइस रेस में सरप्राइज़ करने के लिए बी आर कुमार के नीचे बाकी इन दोनों में ही और सोलह सौ सो मीटर क्लास वन की रेस है पाँचवीं तेलंगाना रेस हॉर्स ऑनर एसोसिएशन ट्रॉफी है वन टू की बैट है एल डी सिल्वा जी के दो घोड़े हंटिंगडन और सैड ऑफ द मून सेड ऑफ द मून ने सबको बीट किया था विवेक जी के नीचे सिद्धार्थ को बीट किया था सबसे पहले तो तीन लेंथों से तो चार नंबर तो भैया मतलब नज़र बिल्कुल हटनी चाहिए ही नहीं चार नंबर से तीन नंबर से और एक नंबर यही घोड़े हैं फील्ड में अब वन टू की बैट है एक घोड़ा बाहर होगा तो सेकंड uh, कौन सा होगा ये बड़ी कस्मकस है इसलिए पहले तो मैं तीन नंबर को पिक लेके कर चलूँगा हन्टिंगडन अक्षय कुमार सिंगल पिक मतलब अकीडो के साथ में लास्ट नौवे से तीसरा लगा था उससे पहले सेड ऑफ इंदो मून के साथ में गुड थर्ड अशोका के साथ में छठे से तीसरा उम्मीद करते हैं इस बारी जीते बाकी एल डी सिलवाजी का जैसे मैंने कहा सैड ऑफ द मून सरप्राइज़ करने के लिए है क्योंकि लास्ट टाइम चौदह सौ भागा और कुछ इंसिडेंट हुआ दसवा रहा घोड़ा बट जब फ्रंट निकला था जीत ही गया था तो इसलिए और बाकी सिद्धार्थ है तो वो तो है ही घोड़ा यार नो डाउट क्लासिक छठी रेस चौदह सौ मीटर क्लास टू की है यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूँगा सिंगल पिक एन डबल पावर सूरन नहडू जैसा मैंने बताया सूरज बैठा हुआ है किडो के साथ में लास्ट टाइम क्लास वन में पाँचवा लगा है, क्लास टू इम्प्रेसिव जीता हुआ है सूरन नायडू के नीचे वेट टॉप वेट में जा रहा है साठ के में उनसठ किलो में क्लास थ्री जीता हुआ ऑलरेडी तो घोड़ा वेट में तो जाता ही है है ना बाकी और इस रेस में मैं अगर एक नंबर को बात करता हूँ बीट करने के लिए तो कांचा सरप्राइज़ देख सकते हैं मगन सिंह जी का आप ठीक है और आइसिकल तो है ही सरप्राइज़ में बाकी और कोई घोड़ा दिख नहीं रहा है मुझे और इसलिए शायद बुक के हिसाब से डे भी दे रहे हैं एक नंबर को एन आर डबल पावर को और डे बैस ले भी सकते हैं यार आप मेरे हिसाब से पिक कर सकते हैं एन आर डबल पावर सातवी रेस ग्यारह सौ मीटर क्लास फोर की है यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूँगा घोड़े मिक्स द मैजिक है मुकेश कुमार के नीचे पहले तो और आइकनिक स्टार पहले तो विवेक जी के नीचे ड्रॉ थोड़ा सा जरूर वाइट दिख रहा है बाकी घोड़ा अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट ही निकल रहा है एक्सक्लूसिव ब्लैक के साथ में गुड था सेकंड हुआ है लास्ट टाइम उम्मीद करते हैं कि बेटर रन देखने को मिले बाकी चार नंबर एमिनेंसी है और टाइगर रूबी को मैं पिक लेके चलूँगा दूसरा पहला रन यार गुड थर्ड हुआ था उच्च सरावस के साथ में उसके बाद अभी लास्ट टाइम स्लो निकला बिहार कुमार के नीचे माउंटेन टच के साथ में और उम्मीद करते हैं इस बारी गेट से सही जंप ले दस नंबर का डॉ ज़रूर है बट उम्मीद करते हैं एक बेटर रन देखने को मिले जैसा पहला रन था वैसा अगर रन होगा तो मेरे हिसाब से घोड़ा बोर्ड में रहना चाहिए बाकी सात नंबर ब्लैक डस्ट पहला रन है एंजल डस्ट का बच्चा है तो भैया अभी स्टील में भाग रहा है बस इस वजह से थोड़ा सा मैं वो बाकी मेरे हिसाब से तो कैटेगरी वाइज़ और सरप्राइज़ करने के लिए नज़र जरूर बनाए रखें प्लेस वगैरह कंसिडर कर सकते हैं एन रेंज है पहला रन है दस नंबर न्यू फाउंड ग्लोरी तो घोड़े बहुत निकल के आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं बाकी मेरे हिसाब से रेस मुझे जो समझ आ रही है जैसा मैंने बताया तीन नंबर और छः नंबर आइकनिक स्टार टाइगर रूबी ठीक है दोस्तों आप सभी को यार हैदराबाद के लिए बेस्ट ऑफ लक ऑल द बेस्ट इसके बाद मिलते हैं भाइयों शायद दिल्ली की रेसें ठीक है दोस्तों बाय टेक के मेरे भाई बाय 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 बाय